नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और बात महमूद की होगी। जब महमूद ने राजेश खन्ना को थप्पड़ मार दिया, इस इंसिडेंट पर आपने ढेरों किस्से कहानियां सुनी होंगी, तमाम वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज का ये किस्सा उस प्रसंग से जुड़ा हुआ है जिसे खुद महमूद साहब ही सुना रहे हैं। अभिनेता महमूद की अधिकृत जीवनी के लेखक हनीफ जावेरी बताते हैं कि महमूद राजेश खन्ना को कठोर कहकर पुकारते थे। महमूद के मुताबिक राजेश खन्ना को जल्दी किसी से सहानुभूति नहीं होती थी। महमूद ने राजेश खन्ना तक को अपने होम प्रोडक्शन फिल्म जनता हवलदार में साइन किया। राजेश खन्ना देर से शूटिंग पर आते थे, इसलिए महमूद ने शूटिंग अपने फार्म हाउस पर रखी और राजेश खन्ना को भी वहीं पर ठहराया, जिससे कि आने जाने और देरी ना हो कुल मिलाकर। और हनीफ जावेरी ये भी आगे बताते हैं कि महमूद ने उन्हें ये वाक्य बताया था कि एक बार सेट पर महमूद के बेटे राजेश खन्ना को हाय बोल दिया। उन्होंने, महमूद साहब के जो बेटे थे, उन्होंने काका को हाय कहा और राजेश खन्ना बुरी तरह नाराज हो गए कि इसने इस तरह हाय क्यों बोला, उनके पैर क्यों नहीं छुए, उनके नाम के आगे जी नहीं लगाया, तमीज़ तहजीब से बात नहीं की। ये बात राजेश खन्ना को बुरी लग गई। लड़का छोटा था और इस बेअदबी से पेश आया, बेअदबी तो नहीं कहेंगे लेकिन एक उस जनरेशन के हिसाब से उसने सिर्फ हाय हेलो काका को किया और आगे बढ़ गया। इस घटना के बाद उन्होंने महमूद को शूटिंग पर परेशान करना शुरू कर दिया। महमूद के मुताबिक उनको राजेश खन्ना को उठाने के लिए 10 बार जाना पड़ता था। हालात बिगड़ते गए और इस मुद्दे को लेकर महमूद और राजेश खन्ना के बीच बहस हो गई। इसी दौरान गुस्से में महमूद ने राजेश खन्ना के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। हनीफ जावेरी बताते हैं, जो कि एक्टर महमूद की अधिकृत जीवनी के लेखक हैं, वो उस दौर के किस्से को याद करते हुए कहते हैं कि महमूद का ये स्टेटमेंट मेरे पास है, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया और कहा तू होएगा सुपरस्टार अपने घर का, मैंने तेरे को पैसे दिए और तुझे मेरी फिल्म पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद राजेश खन्ना के साथ बैठकर बात हुई, उन्होंने फिर परेशान नहीं किया और पिक्चर पूरी की। वो दिन था मैंने अपने कान पकड़ लिए कि मैं राजेश खन्ना के साथ कभी काम नहीं करूँगा। ये बातें किसी और ने नहीं बल्कि एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर महमूद ने कही। तो क्या ये घटना इस तरफ इशारा करती है कि राजेश खन्ना के प्रति लोगों का सम्मान धीरे धीरे कम होता जा रहा था, या फिर उनके स्टार वाले नखरे वाकई बर्दाश्त की हद को पार कर गए थे? क्या उन्होंने अपने खास लोगों को इस तरह दूर करके अपने पतन की स्क्रिप्ट खुद लिखी थी? हनीफ जावेरी कहते हैं कि राजेश खन्ना को अच्छे रिलेशन बनाने नहीं आए। अब जितेंद्र को देखिए, वो बहुत अच्छे अभिनेता नहीं है लेकिन उन्हें रिश्ते बनाने आते हैं, और देखिए वो कहां से कहां पहुंच गए। जितेंद्र साहब ने एक बार हनीफ जावेरी को बताया था कि जावेरी साहब, मेरे को रोना नहीं आता था कैमरे के सामने, अगर रोने का सीन हो तो मैं चेहरे पर हाथ रख लेता हूं, लेकिन राजेश खन्ना को रोना, हंसना, हंसाना, रोमांस करना और स्क्रीन पर अपनी अदाओं से सबका दिल जीतना अच्छे तरह आता था, लेकिन ऑफ स्क्रीन अपने यही जज्बात सही तरीके से दूसरों तक पहुंचाना वो शायद कभी सीख ही नहीं पाए। ये बातें जितेंद्र ने राजेश खन्ना के लिए कही। कम्युनिकेट न कर पाने की इसी कमी ने राजेश खन्ना को उनके निजी रिश्तों में भी बहुत नुकसान पहुंचाया। खासतौर पर 9 साल से उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया को। अब न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, बल्कि डिंपल के माता पिता भी उनके विरोध में बयान देने लगे थे। कपाड़िया परिवार को उम्मीद थी कि राजेश खन्ना एक न एक दिन मान जाएंगे और डिंपल फिल्मों में अपनी वापसी करेंगी, मगर जब राजेश खन्ना नहीं माने तो इस बात को लेकर डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया और उनके बीच भी अनबन रहने लगी। और यही नहीं, डिंपल के प्रति राजेश खन्ना के बुरे बर्ताव की खबरें अब तो खुलकर मीडिया को वो बताने लगे थे। उस जमाने में राजेश खन्ना के ससुर चुन्नी भाई के पास
या उनके लिए फिल्म मीडिया ने एक खास शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, CIB यानी चुन्नी भाई इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। और उनके हवाले से अब अक्सर राजेश खन्ना की निजी जिंदगी से जुड़ी चटपटी गॉसिप फिल्म मैगजीन का हिस्सा बनने लगे। ये बात राजेश खन्ना की अब बर्दाश्त के बाहर थी। फिल्म पत्रकार इंग्रिड एल्बकर्क ने एक परिवार में चल रही इस कोल्ड वॉर के बारे में एक मशहूर लेख लिखा, जिसका शीर्षक था राजेश वर्सेस द कॉक्स ऑफ फोर, यानी सास ससुर डिंपल सिंपल इन सभी के बारे में इस लेख में जिक्र। बड़ा मशहूर लेख है ये, 70-80s में लिखा गया, 80s का ये आर्टिकल है। राजेश और डिंपल के बीच अब अनबन रहने लगी थी। डिंपल अक्सर नाराज होकर अपने घर चली जाती, तलाक की धमकी देती और राजेश को लगता था कि वो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हैं, मगर हर बार झगड़े सुलझ जाते और डिंपल बच्चों के साथ वापस आशीर्वाद लौटाती, जैसा किसी भी हस्बैंड वाइफ में होता है। और इन झगड़ों का जिक्र करते हुए डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया ने एक बार सुपर मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में कहा, डिंपल को काका के पास वापस उसका डर लेकर जाता है, प्यार नहीं। मेरी बेटी में राखी की तरह अपने आप के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं है। ये बात वो एक्ट्रेस राखी के बारे में कह रहे थे जो गुलजार साहब से अलग रहने लगी थी एक झगड़े के बाद, जिसमें कहा जाता है कि गुलजार साहब ने राखी को बहुत बेरहमी से पीटा था, डोमेस्टिक वायलेंस, और उसके बाद वो अलग रहने लगी थी। उस पर भी हमने पॉडकास्ट बनाया है, उसे आप सुन सकते हैं। बहरहाल इन तमाम मुद्दों पर राजेश खन्ना मीडिया के सामने खामोशी अख्तियार कर लेते थे। एक बार जब पत्रकार भावना सोमाया ने एक बार उनसे सीधा सवाल पूछा, अपनी शादी का मजाक बनते देख उन्हें कैसा लगता है, तो राजेश खन्ना ने फिल्मी अंदाज में जवाब दिया, जब हर कोई आप पर पत्थर फेंकता है तो पूरा सच बताने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अंत में इससे कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि आपका दर्द मजाक का स्रोत बन जाता है, तो मैं बोलने की बजाय सजा भुगतना ज्यादा पसंद करूंगा। राजेश खन्ना के आत्मविश्वास पर हर दिन जैसे धीरे धीरे जंग लगता जा रहा था। इंडस्ट्री में उनके बाद आए कई एक्टर्स उनकी बराबरी पर आकर खड़े हो गए थे। अकेले, चिड़चिड़े, कुंठित और हारे हुए, उनके दिमागी हालत कुछ ऐसी ही थी। अंदर ही अंदर जल रही नाकामी की आग को हर शाम शराब और ज्यादा भड़का देती थी। शराब के नशे में धुत होने के बाद भी हारने का गम राजेश खन्ना की आंखों से जाता नहीं था। और फिर एक रात वो वाकया हुआ जिसने राजेश खन्ना के पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। बारिश में भीगी गहरी स्याह रात थी। राजेश खन्ना के अंदर धधकती नाकामी की आग को बुझाने के लिए उस रात शराब भी काम नहीं आ रही थी, या फिर यह अकेलेपन का दर्द था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। क्या हुआ था उस रात को? राजेश खन्ना ने सालों बाद मूवी मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में उस रात का जिक्र किया। राजेश खन्ना ने इस इंटरव्यू में कहा कि सुबह के 3 बज रहे थे, मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। अचानक मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ऐसी नाकामी से मेरा पहली बार सामना हुआ था। एक के बाद एक मेरी 7 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। उस रात बारिश हो रही थी, गुप अंधेरा था और मैं अपनी टेरेस पर अकेला था। अचानक मैं जैसे अपने होश खो बैठा और चीख पड़ा, हे परवरदिगार, हम गरीबों का इतना सख्त इम्तिहान न ले कि हम तेरे वजूद से इनकार कर दें। ऐसे सीन तो उन्होंने अपनी फिल्मों में कई बार किए थे, और लेकिन वो फिल्म होती थी, ये असल जिंदगी थी। मगर उस रात असलियत का दायरा मानो धीरे धीरे सिमटता गया, या यूं कहिए कि मिटता गया। राजेश खन्ना की चीखें सुनकर पति डिंपल और घर का स्टाफ दौड़ते हुए टेरेस पर आ गया। राजेश खन्ना फूट फूट कर रो रहे थे। राजेश खन्ना पूरी जिंदगी इस रात को नहीं भूले। पर्दे पर करोड़ों लोगों को खूबसूरत ख्वाब दिखाने वाले सुपरस्टार का सामना उस रात जिंदगी की हकीकत से हो गया था, मगर इस हकीकत को कबूल करना
न तो उन्हें आता था और न ही शायद वो सीखना चाहते थे। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कबूल किया कि अपने एक बुरे दौर में डिप्रेशन की हालत में उन्होंने खुदकुशी तक करने की सोची थी। वो कहते हैं कि एक बार मैंने समंदर में जाने की कोशिश भी की, लेकिन आखिरी मिनट पर अपना इरादा बदल लिया और खुद से वादा किया मैं नाकाम होकर नहीं मरूंगा। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि राजेश खन्ना एक कायर था। इस दौर में राजेश खन्ना अकेले, चिड़चिड़े और बेहद संवेदनशील हो चुके थे। उस दौर की बात करते हुए उन्होंने खुद माना कि वो घंटों तक अकेले, परेशान और अपने ख्यालों में खोए रहते थे। वो अपनी नाकामी को स्वीकार नहीं कर पाए थे। अगर किसी समझदार और अनुभवी शख्स ने मुझसे बात की होती, मुझे फिल्मी दुनिया के दांवपेच के बारे में समझाया होता तो शायद मुझे राहत मिलती, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक सितारा बड़ी तेजी से नाकामी के अंधेरे में डूबता जा रहा था, लेकिन ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री मौन साधे खड़ी थी। किसी ने राजेश खन्ना की तरफ हाथ बढ़ाकर नहीं पूछा कि काका, ये एक सामान्य बात है, होता रहता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।